हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल गोरखपुरिया स्टाइल में स्वागत है। मैं हूँ सोनी। तो आज शाम में हम लोगों ने बनाया था, मायके में ही दो तीन लोग और थे मिल के, जो है लिट्टी चोखा और दाल। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन की जो है थोड़ा सा तड़का लगा के भून के, उसके बाद हमने चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और अरहर की दाल, चारों दालों को मिक्स करके और फिर थोड़ा सा भून के, फिर हल्दी, नमक और पानी डाल के उसको अच्छे से 4-5 सीटी लगा दिया था, तो दाल हमारी गल गई थी। आलू हमने बॉयल कर लिया था, तो भरता जो है आलू और बैंगन टमाटर का बनाना था, तो उसके लिए प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, टमाटर, साथ में मिर्चा का अचार सब कुछ कट करके हमने रख दिया था। थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, तो बनने काफ़ी दिनों बाद यानी 2-3 साल बाद हमने जो है ये लिट्टी चोखा दाल, हम लोगों को काफ़ी पसंद है, गांव में रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा खाते थे। फिर छत पे हम लोग आ गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने गोईठा सुनगा दिया था, उस पर हमने टमाटर बैंगन को पका लिया था। ये काफ़ी जो है इस तरह चोखा बनाने पर सोंधा सोंधा होता है, काफ़ी टेस्टी होती है। और आटा गूंथ के रख लिया था, फिर सब लोगों ने मिट के छोटी छोटी लिट्टी जो है बना ली थी, और बना करके फिर जो है थोड़ा सा आग जब ठंडा हो जाता है तब रखते हैं, नहीं तो जल जाता है। फिर उसको रख दिया था, देखिए आग पूरी तरह ठंडा हो गया था, बैंगन टमाटर पक गया था, तो भाभी ने ले जाके चोखा बना दिया था सब कुछ डाल के, और उसके बाद इस पे डाल के उलट पलट से मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है लिट्टी बनने में, लेकिन यही चीज़ बन नहीं पाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना बना था, 2-3 लोग और आए थे, तो देख लीजिए आप लोग भी पूरी वीडियो, मतलब मैंने नहीं बना पाई थी कि पूरा चोखा आज का, फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो कभी मैं डाल दूँगी। तो फिर ये हो गया था हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खाना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना। चलिए मिलते हैं।